आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन स्टॉक के बारे में, और जिस प्रकार से टेक्निकली इसको एनालाइज करके हमने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि 10.5 रुपया का जो रेजिस्टेंस है, 10.50 रुपया का, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में ये असमर्थ हो रही है। इस स्टॉक का पिछले 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 60% के आसपास का रिटर्न इसने पिछले 6 मंथ में दिया है। वहीं पिछले 1 मंथ से ये स्टॉक कॉन्सोलिडेट होते हुए दिख रहा है 9.50 रुपये से 10.50 रुपये के आसपास का, और फंडामेंटली ये कंपनी ग्रो करते हुए दिख रही है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है विंड एनर्जी के अंदर, जिसका कि फ्यूचर बहुत ही ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से बहुत शानदार एक्सपेंड होने वाला है। तो इस स्टॉक में अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप पोजीशन बनाए रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश पोजीशन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो 10.50 रुपये के ऊपर के क्लोजिंग का आपको वेट करना चाहिए। तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस समय ह्यूजली कॉन्सोलिडेट पिछले 1 महीने से होते हुए दिख रहा है। 10.50 रुपये के ऊपर के क्लोजिंग पे इस स्टॉक का टारगेट, इमीडिएट टारगेट आपको 16 रुपया तक का दिखने वाला है। लॉन्ग टर्म टारगेट इस स्टॉक में 30+ का होगा। और बात करें स्टॉप लॉस का, तो 6 रुपये के स्टॉप लॉस को लॉन्ग टर्म के लिए और 7.50 रुपये के स्टॉप लॉस को शॉर्ट टर्म के लिए श्योरली फॉलो करना चाहिए।